जीमेल कोर्स के इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक परफेक्ट ईमेल लिख सकते हैं। दोस्तों, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये जानना बेहद जरूरी है। बिकॉज अगर आप एक प्रोफेशनल अट्रैक्टिव मेल लिख सके तो आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो, सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी बना सकते हो। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही तरीके से मेल को लिखना। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे सही प्रोसेस, डूज एंड डोंट्स। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो है इस जीमेल कोर्स का। और जीमेल कोर्स के साथ साथ अगर आप गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, SEO, सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और पैसे कमाने के अलग अलग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज चैनल पे ऑलरेडी 50 से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के फ्री कोर्सेज हैं, 1400 के अराउंड वीडियोज़ हैं विद लेटेस्ट कंटेंट, और आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ज़्यादा वीडियोस, 30-35 नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं, सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आप कैसे एक परफेक्ट ईमेल लिख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ईमेल को सही तरीके से नहीं लेते, उसे सीरियस नहीं लेते, इस वजह से वो बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये वो जाने अनजाने में करते हैं, कई बार जानबूझ के भी करते हैं। तो आज मैं सारी बातों को डिस्कस करूंगा। सिंपल सी बात है दोस्तों कि मैं आपको कैसे लिखना है वर्ड टू वर्ड ये नहीं सिखा सकता यहाँ पे, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता सकता हूँ जो कि आपकी ईमेल को एक इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करने में आपकी मदद करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहली बात यह है कि आप कैसे एक परफेक्ट ईमेल लें, पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही उठना चाहिए। तो दोस्तों, ईमेल या फिर लेटर राइटिंग एक आर्ट है जिसमें आप जिसे भेज रहे हैं, मतलब जिसको आप, जिस रिसिपिएंट को आप ईमेल भेज रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि जो रीडर है उसका अटेंशन ग्रैब करना ताकि वो आपकी ईमेल को या लेटर को आखिरी तक पढ़े और प्रॉब्लम या जो भी आपने सजेशन उन्हें दिया है वो उसे एक बार पूरा समझ सके। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, लैंग्वेज इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कई बार हायर अथॉरिटीज़ को भेज रहे हैं, कई बार अपने रिलेटिव्स को भेज रहे हैं, कई बार अपने फ्रेंड सर्कल में भेज रहे हैं, तो सब जगह लैंग्वेज बिल्कुल अलग अलग होती है दोस्तों। इसीलिए ईमेल बहुत ही एक अच्छा माध्यम है और बहुत ही कॉन्ट्रडक्चुअल माध्यम भी है क्योंकि इसका एग्जाम इसे हम आम जिंदगी में एज अ चैटिंग पर्पस के लिए नहीं इस्तेमाल करते। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक नोट के साथ शुरुआत करते हैं। वो नोट है, गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूजन एंड क्लियरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि एक अगर गुड कम्युनिकेशन मतलब एक अच्छा अगर आपका कम्युनिकेशन है तो एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज मतलब पुल, कन्फ्यूजन और क्लियरिटी। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं। तो अगली बात मैं ये बात कर लेता हूँ कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव गुड मैनर्स एंड एटिकेट इन एन ईमेल। एक ईमेल में अच्छे मैनर्स का होना क्यों ज़्यादा जरूरी है। पहली बात तो यही है कि ईमेल इज अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल जो है दोस्तों एक फॉर्मल वे है कम्युनिकेशन का, इसीलिए आप यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज करते हैं या करना चाहिए आपको। और अगला पॉइंट है दोस्तों, इन टूडेज वर्ल्ड ईमेल इज यूज फॉर रेफरेंस, रिकॉर्ड एंड एविडेंस। आज के जमाने में दोस्तों जो ईमेल होता है वो रेफरेंस के लिए, रिकॉर्ड के लिए, एविडेंस के लिए यूज होता है सभी MNCs में या फिर सोशल बॉडीज के द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप ईमेल को सही तरीके से लिखें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आज के टाइम में या फिर आज के बाद आप जब भी एक कभी MNCs कंपनी में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होता है वो ईमेल के थ्रू ही होता है ताकि अगर इन द एंड कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी जड़ तक पहुँचने के लिए वो लोग ईमेल का सहारा कर लेते हैं जांचने के लिए कि किसकी गलती की वजह से ये दिक्कत आई है। इसीलिए ईमेल एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। चलिए अगली बात करते हैं कि
आपकी ईमेल में दोस्तों ऑडियंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप किसे ईमेल लिख रहे हैं इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी ईमेल लैंग्वेज पे। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे कि आप किसी यंग पर्सन को लिख रहे हैं, यंग पर्सन का मतलब कोई 18 या 16 एज से लेके 20 या 25 के एज के बीच का कोई पर्सन है, तो आप उसके लिए सैल्यूटेशन के लिए हाय माई नेम इज एक्स वाई जेड और ये सारा टर्म्स आप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या आप यही ओल्डर ओल्ड या फिर मिड एज व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? मिड एज पर्सन के लिए आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, सैल्यूटेशन से लेके हर चीज बहुत ज्यादा जरूरी है ही ईमेल में। तो देखिए दोस्तों, ओल्ड या मिडिल एज पर्सन को आप कैसे सैल्यूट करेंगे एक ईमेल, मतलब लिखते समय हेलो सर या मैडम, हेलो सर या डियर सर, ऐसे करके आप मतलब उन्हें कहेंगे तो एक ओवरऑल गुड इम्पैक्ट जाएगा दोस्तों। अगली बात करते हैं कि अगर कोई फॉर्मल या फिर हायर अथॉरिटीज लाइक अपने आप अपने बॉस को लिख रहे हैं या फिर अपने हायर ऑफिशियल्स को लिख रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? पहला तो आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी कंपनी से या कहीं से भी एक लेटर पैड बनवाते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है टू होम इट मे कंसर्न। इसका मतलब क्या है? तो ये एक फॉर्मल तरीका है दोस्तों लिखने का। दूसरा है रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, आज के टाइम में डियर सर भी चल जाता है। तो आप कुछ इस तरीके का जो सैल्यूटेशन है वो इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। चलिए अगली बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी जीमेल या ईमेल में फर्क डालते हैं। फॉर एग्जांपल पहला है प्रोफाइल पिक्चर। तो प्रोफाइल पिक्चर का होना जरूरी क्यों है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आपने लेट से एग्जाम्पल मैंने मान ला कि आपने किसी को ईमेल भेजा और उस बंदे ने आपकी ईमेल को देख के आपकी प्रोफाइल भी देखी, तो वहां पे वो क्या दिखेगा कि इस प्रोफाइल पे तो कोई पिक्चर ही नहीं है या फिर है भी तो कोई अजीब सी पिक्चर आपने लगा रखी है, तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। इसीलिए आपको एक अच्छी डिसेंट प्रोफाइल फोटो पिक्चर लगानी चाहिए जो कि सामने वाले को एक अच्छा इम्पैक्ट दे। दूसरा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जब कई लोग बार मैंने देखा है कि सब्जेक्ट भी नहीं लेते या सब्जेक्ट को सीरियस नहीं लेते। दोस्तों जो सब्जेक्ट होता है वो आपका मेन पार्ट होता है ईमेल का, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपकी ईमेल को खोलेगा या नहीं खोलेगा, ओपन करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट होते हैं शुरुआत के 15 to 20 वर्ड्स जो होते हैं वो डैशबोर्ड पे दिखते हैं जब भी ईमेल जाती है, और वो डार्क यानी कि डार्क कलर में होते हैं, हाईलाइट कलर में होते हैं। इसीलिए सब्जेक्ट अच्छे से लिखें, सब्जेक्ट में ही उस ईमेल का मेन जो मुद्दा है या टॉपिक है वो जरूर मेंशन करें। अगला है सैल्यूटेशन। लाइक मैंने अभी एग्जांपल दिया, हेलो सर, हाय सर, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, इस तरीके का जो टर्म्स होती हैं वो सैल्यूटेशन में आती हैं। और सैल्यूटेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एज वाइज भी ये मैटर करता है, लोकेशन वाइज भी ये मैटर करता है, एरिया वाइज भी मैटर करता है। इसीलिए सैल्यूटेशन आप देखें कि आप किसे भेज रहे हैं, किस तरीके से भेज रहे हैं, सैल्यूटेशन का भी एक अपना रोल होता है दोस्तों। अगला है ओपनिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस मतलब जो स्टार्टिंग का जो सेंटेंस है दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसे आप सही से लिखें। अगर फॉर्मल वे में आप भेज रहे हैं, अगर आपने फ्रेंड से रिलेटिव को भेज रहे हैं, तब तो ओपनिंग सेंटेंस आप कुछ भी कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप फॉर्मल भेजें लाइक अपने एरिया के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, मजिस्ट्रेट या फिर किसी भी ऐसे पर्सन को भेज रहे हैं रेपुटेड, तो आपको ओपनिंग सेंटेंस सही रखना पड़ेगा। आखिरी में आपको दिखाऊंगा भी, एक मैंने एक ईमेल लिखा हुआ है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक ईमेल लिखा जाता है। आखिरी अगला बात है बॉडी ऑफ द ईमेल। बॉडी ऑफ द ईमेल मेन पार्ट रहता है, एक समझ लीजिए आपका हार्ट होता है या मेन मैसेज बॉडी ऑफ द ईमेल में ही छुपा रहता है। लेकिन दिक्कत यही है कि बॉडी ऑफ ईमेल हर सिचुएशन के हिसाब से, हर टाइम के हिसाब से अलग अलग होता है। तो बॉडी ऑफ द ईमेल लिखना आपको कोई नहीं सिखा सकता है। हाँ, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल जरूर दे सकता हूँ, लेकिन लिखना तो इन द एंड आपको ही है। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड, अगला जो आता है क्लोजिंग सेंटेंस, कि मतलब आप अपने जीमेल या ईमेल के आखिरी में क्या लिखते हैं, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप बहुत ज्यादा हार्श तो नहीं वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं सामने वाले को? इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं दोस्तों, लाइक लैंग्वेज हो गया, आपकी टोन होगी, आपने किस तरीके से मतलब लिखा है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ही सब कुछ है, प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। माफ करिएगा, मैंने रिप्रेजेंटेशन बोल दिया, प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे दूसरों को दिखाते हैं, कैसे लिख के बताते हैं, ये इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। अब अगली बात करता हूँ दोस्तों,
कुछ एग्जाम्पल हैं सैल्यूटेशन से रिगार्डिंग। और दोस्तों ये पिछली वीडियो में हमने बताया भी था, लेकिन यहाँ पे जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम एक ईमेल के ऊपर बना रहे हैं तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसमें डिटेल में हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। जैसे आप देख सकते हैं कि सैल्यूटेशन में आप सर और डियर सर का इस्तेमाल कर दें, मैडम और डियर मैम का इस्तेमाल कर दें, मिस्टर उनका लास्ट नेम लिख दें, हे कर दें, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है ओपनिंग सेंटेंस के हिसाब से। ओपनिंग सेंटेंस के कुछ मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। आई होप यू हैविंग वंडरफुल डे, मैं आशा करता हूँ कि आप एक अच्छा मतलब अच्छा दिन जाए आपका। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं आप देख सकते हैं। अगला है रिलेटेड टू क्लोजिंग सेंटेंस। ये क्लोजिंग सेंटेंस के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। ऐसा ही कुछ एंडिंग ऑफ द ईमेल है, मतलब क्लोजिंग सेंटेंस के बराबर है कि आप कैसे एंडिंग कैसे करते हैं, तो बेस्ट विशेस रिगार्ड्स, इस तरीके की टर्म्स आप इस्तेमाल करते हैं, आप ये भी देख सकते हैं पॉज करके। अब अगली बात करते हैं दोस्तों कि क्या क्या आपको ईमेल कम्युनिकेशन में करना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी बात है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप जो ईमेल लिख रहे हैं और रीडर के हिसाब से लिखें, सामने वाला जो बंदा है, जो पर्सन उसे पढ़ेगा, उसके हिसाब से लिखें, ना कि अपने हिसाब से, क्योंकि वो पढ़ के कैसे रिएक्ट करेगा आप ये सोचें। अगला है सिंपल एंड अंडरस्टेबल रखें। ऐसा भी ना लिख दें कि सामने वाले को समझ में ही ना आए, या इतना भी हार्ड लैंग्वेज का उपयोग ना करें कि सामने वाला कंफ्यूज ज्यादा हो जाए, क्योंकि सामने वाला पर्सन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड है आपकी प्रॉब्लम में। तो आपको प्रॉब्लम मेंशन करना है, उसके लिए प्रॉब्लम अलग से क्रिएट नहीं कर देनी है। अगला है जो आपकी बॉडी ऑफ द ईमेल है, इसको एक स्ट्रक्चर वे में रखें, ऑर्गेनाइज वे में रखें। सबसे पहले आप प्रॉब्लम बताएं क्या है, पहले आप प्रॉब्लम का कारण बताएं, फिर प्रॉब्लम बताएं, और फिर उसके बाद में बताएं कि उस प्रॉब्लम का छुटकारा किस तरह हो सकता है। तो आप इस तरीके से चलें। अगला है कि जिसे भी आप लिख रहे हैं उसकी पोस्ट का और पोजीशन का ध्यान रखें कि आप किसे लिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अधिकतर लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। और हमेशा फैक्ट्स और एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स का यूज करें अपनी बात को प्रूव करने के लिए, इससे आपका जो ईमेल है और भी ज्यादा प्रभावी होगा, और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। चलिए अगले आगे बात कर लेते हैं। अगला है दोस्तों डोंट, मतलब क्या नहीं करना चाहिए आपको ईमेल कम्युनिकेशन। तो पहला तो यही है कि जो भी आपका कंप्यूटर है उसके ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स के लिए। कई बार मैंने देखा है दोस्तों, ग्रामरली हो गया या फिर जो ईमेल का ऑटो सजेशन होता है, वो ये कई बार ये भी गलत शो करते हैं, क्योंकि इन द एंड ये भी एक एआई ही है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। सामने आपके कोई पर्सन नहीं चेक कर रहा है, पढ़ के आपको पर्सन नहीं बता रहा है कि यहाँ पे क्या गलती है क्या नहीं। तो ये आपको देखना है, आपके अपने माइंड के हिसाब से चेक करना है। अगला है डोंट यूज सार्केज्म इन योर ईमेल। मतलब कि सार्केज्म का हिंदी में जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों कि व्यंग, मतलब मजाक तरीके से ना करें ईमेल राइटिंग में। ये हो सकता है कि आप कभी बाहर किसी से बात करें तो ये बहुत ही अच्छा लग सकता है, लेकिन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में सार्केज्म की कहीं पे भी कोई जगह नहीं है। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो भी इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप ईमेल लिखें तो सामने वाले की जब भी पोजीशन अगर आप कहीं पर मेंशन करते हैं तो आप वहां पे केयरलेस ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि आप नाम ही लिख रहे हैं, नाम में ही आपने कुछ गलती कर दी, पोजीशन में ही गलती कर दी, तो वो एक तरीके से पहले ही गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा भी नहीं होगा तो एक बार को पहले ही डाउटफुल तो हो जाएगा कि ये जो बंदा है ये सही है या नहीं है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं, डोंट यूज अनप्रोफेशनल लैंग्वेज। जो आप घरेलू लैंग्वेज यूज करते हैं वो ईमेल में ना इस्तेमाल करें। और कभी भी जो जो आप बातें बताते हैं उनका कॉन्टेक्स्ट बहुत ही लंबा ना करें, टू द पॉइंट बात करें कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, या फिर जो भी आप बताना चाहते हैं टू द पॉइंट बात करें यहाँ पे, क्योंकि वो सामने वाला जो पर्सन है उसके पास इतना अटेंशन टाइम नहीं है कि वो आपका पढ़ेगा पूरा आखिरी तक लंबा चौड़ा पैराग्राफ, नहीं। तो टू द पॉइंट बात करें, सिंपल रखें, अंडरस्टेबल रखें। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है एक ईमेल का बेसिकली, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों शुरुआत में एक
रेसिपियंट ईमेल आईडी है, मैंने एग्जाम्पल के लिए abc@xyz.com लिख दिया है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है दोस्तों मैंने, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट छोटा रखें ताकि सामने वाले को सब्जेक्ट पूरा दिख जाए एक बार। यहाँ पे मैंने लिखा है रिगार्डिंग लाउड स्पीकर इशू इन, तो एक लाउड स्पीकर का प्रॉब्लम है, और यहाँ पे जो ब्रैकेट है यहाँ पे प्लेस जहाँ का भी होगा वहाँ का नाम आ जाएगा। अगला है दोस्तों सैल्यूटेशन, सर और मैम। दोस्तों ये मैंने एक ईमेल बनाया है, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से बनाया है, तो वहाँ पे रिस्पेक्टेड सर डी एस सर आप नहीं करें, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट होते हैं बेसिकली वो आपके सेवक होते हैं, समझ रहे हैं ना आप। अलग बात है कि आजकल सोसाइटी ने उसे अलग बना दिया है, लेकिन आप यहाँ पे सर और मैडम डायरेक्ट लिख सकते हैं। आगे मैंने पूरी की पूरी प्रॉब्लम उन्हें बताई है बॉडी ऑफ द ईमेल में। बॉडी ऑफ द ईमेल में आप देख सकते हैं कि मैंने 3 पैराग्राफ यूज कर रहा है। तो हाँ दोस्तों, जब भी आप ईमेल लिखें तो 2 या 3 पैरा रखें अलग अलग, ताकि सामने वाले को देखने में भी एक अच्छा अपीयरेंस लगे। आखिरी में एक क्लोजिंग सेंटेंस है दोस्तों, फिर नेम एंड सिग्नेचर का है। तो इस तरह से आप अपना ईमेल लिख सकते हैं, और इस तरह से आप अपने ईमेल को बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं। आप इसे पॉज करके देख भी सकते हैं दोस्तों मैंने क्या क्या लिखा है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं, आपकी कोई क्यूरीज है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियोज या कोर्सेज फ्यूचर में लाएंगे। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हो, या आप मुझसे डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो, या हमारे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों हमने एक डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी क्रिएट करी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक करें, ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स के संग कनेक्ट हो सकते हो, और वहां पर आप रेगुलर डिजिटल मार्केटिंग के अपडेट्स ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो और अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।